आधुनिकतेचा वास जपणाऱ्या करण कोठारी ज्वेलर्स यांनी नुकताच नागपूर मधील थरंबेट लेआउट मध्ये नवी कॉर्पोरेट आयडेंटिटी सादर करत त्यांच्या निरंतर होत असलेल्या प्रगतीपथावर एक पाऊल पुढे टाकले आहे। विदर्भातील सर्वात लोकप्रिय ज्वेलरी हाउस असलेल्या करण कोठारी ज्वेलर्स ने शुद्ध आणि अनंत दागिने आणि ग्राहक सेवा या दोहोंमध्ये शाश्वतता दर्शविली आहे आणि पाम वृक्षाचा मोनोग्राम हे चिरंतर समृद्धीचे प्रतीक आहे। या दुकानाची सुरुवात 44 वर्षापूर्वी झाली तेव्हा त्यांचे केवळ एकच दुकान होते। आज नागपूर आणि चंद्रपूर येथे 15,000 चौरस फुटांमध्ये पसरलेली त्यांची चार दुकाने आहेत। ही चार ही दुकाने विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता या पारंपरिक आणि कालातील मूल्यांच्या आधारे उभी आहेत। आपल्या ग्राहकांच्या विविध प्रकारच्या अभिरुचीशी जुळवून घेत या ब्रँडने आपली कॉर्पोरेट आयडेंटिटी आणि ब्रँड लोगो बदलला आहे। पारंपरिक मूल्य कायम ठेवत करण कोठारी ज्वेलर्सचा नव्या पाम वृक्षाचा मोनोग्राम हा त्यांच्या वारसाने चालत आलेल्या गुणवत्तेचे द्योतक आहे। मोनोग्राम मध्ये सौम्य छटांपासून गडद छटांकडे जाणारी रंगसंगती वापरली आहे। पारंपरिक दागिने व तंत्रांपासून आधुनिक लहान दागिने तंत्रज्ञान व नाविन्यतांपर्यंत होणारा बदल या रंगसंगतीतून दाखवण्यात आला आहे। मध्यवर्ती मोनोग्राम मधून वारसा व फॅशन यांची सांगड शुद्ध दृष्टिकोन आणि क्लासिक विश्वासार्ह ज्वेलरी तयार करणे याचा मूल्य दर्शवितो। ज्वेलरी हम लोग आज यहाँ पे 74 से हम लोग इस बिजनेस में हैं और जो प्रीवियस लोग थे हमारा उसको एक नए जनरेशन और नए जो आने वाले समय के हिसाब से हमने उसमें कुछ बदलाव लाए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं उसमें सिंबॉलिक जो दिया है कि शुद्ध और अनंत के साथ में हमने जो है डायमंड का उसमें मेल दिया है ताकि सदा के लिए वैसे उसमें जो लोगो है वो सदा के लिए है। आपने इस लोगों में बताया जो पाम ट्री का कुछ पहले बताया था और फिर इसके लिए इस पाम ट्री हमने थोड़ा एक उसको क्रिएटिव की जो था कि शुद्ध और अनंत जो बताया जा रहा है तो ट्रस्ट जो है मेन जो ट्रस्ट होता है उस चीज़ को बेस बना के उसके साथ में डायमंड दिया है कि जो फॉरेवर होता है एकदम ट्रांसपेरेंट और ये रहता है तो डायमंड हमने उस चीज़ को दिया है ट्रस्ट और उसको कंटिन्यूस करें। क्या कहेंगे आपके पास जाने वाले जो ज्वेलरीज है जो कस्टमर के पास रहेगी उसमें क्या यूनिक होगा? अभी जैसे ये डिज़ाइनिंग जो है जो आने वाली जनरेशन के लिए हम जो देख रहे हैं कि यंगस्टर ज्वेलरी से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं उन्हें वो एटमॉस्फेयर उनको वो उस तरीके का जो ज्वेलरी प्रेजेंटेशन और जो उनकी जो डेलिकेटेड ज्वेलरी जो उनके ये है उस चीज़ को हम ज़्यादा फोकस किया है ताकि वो सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको डिज़ाइनिंग मिले। साथों साथ जो वेडिंग में अभी जो हैवी सेट्स और जो वेडिंग कल्चर चला है उसको भी हमने काफ़ी अच्छा न्यू कॉन्सेप्ट में डिज़ाइनिंग किया। अभी आपने कहा था कि जैसे नागपुर के लिए आपने नागपुर की कल्चर को ध्यान में रखते हुए उसकी ज्वेलरीज उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए हिस्टोरिकल जैसे वो पहनते थे पहले उसी को वापस से आप कुछ नया क्रिएटिविटी करके कुछ कर बनाना चाहते हैं या फिर कुछ? हमारा डिज़ाइनर टीम जो है उस पर वर्कआउट चालू है और बहुत जल्दी आपको बिफोर दिसंबर सारी ज्वेलरी देखने मिलेंगी क्योंकि हमारे रीजनल जो पूरे एंटे जो थे कि तीन डेकेड दो डेकेड ज्वेलरी थी वो नए टेस्ट में आपको देखने मिलेंगे। तो नागपुर की तरह और भी शहरों में उनके टेस्ट को देखकर आप उनके मतलब पैटर्न क्या आप ज्वेलरीज बनाने वाले हैं या क्या क्या करें? बिल्कुल ऐसे तो पूरे इंडिया के जो बेस्ट डिज़ाइनिंग होते हैं वो ज्वेलरी हमें अवेलेबल रहती है और प्रयास रहता है कि वो हर समय आपको नई चीजें दे पाए। 1974 साली करण कोठारी ज्वेलर्स ची स्थापना झाली। ते एक प्रगतिशील ज्वेलर असून सध्या नागपूर व चंद्रपूर येथे त्यांची एकूण चार दुकाने आहेत।
या सर्व समावेशक ज्वेलरी हाउस तर्फे प्लैटिनम, सोने, हीरे, चांदी, मौल्यवान व निम मौल्यवान खड्यांसह वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाईन्स तयार करण्यात येतात। पारंपारिक मराठी वस्त्यांमध्ये प्रसंगात हे ज्वेलर अत्यंत यशस्वी राहिले आहेत आणि सतत 3 वर्ष इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन द्वारे आयोजित नॅशनल ज्वेलरी अवॉर्ड्स मध्ये सम्मानित करण्यात आले आहे। कॅमेरामन हिमांशु सोबत श्रेया कोटांगळे, जीटीपीएल न्यूज 24 साठी।